हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा बन रहा है खाना। अभी बर्थडे बॉय तो आया नहीं है, शादी में गया है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ और लोग क्या क्या कर रहे हैं। अरे अंधेरा क्यों कर रखा है यहाँ पे? अच्छा, ये यहाँ पे मम्मी बैठी है और ये भांजी है, ये मयंक है, ये है। अब मम्मी टीवी देख रही है। कौन सा देख रही है? सिर्फ तुम। बाप रे, आजकल तो भयंकर आ रहे हैं नाटक भी। और ये क्या कर रहा है भैया? इसको देखो। तो बर्थडे बॉयज तो आया नहीं है अभी, फिर देखते हैं कब आता है। और फिर काटेंगे केक हेक। तो और यहाँ पे मेरी छोटी बहन खाना बना रही है और खीर हीर बनी चुकी है, पनीर वगैरह बनी चुकी है, और हाय गाइस, मैं तो रोटी बना रही हूँ। रोटी बना रही है। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा देखिए आप। ये बर्थडे बॉय का भी वो हो रहा है, आप पता नहीं कब आता है वो, अभी समझ में नहीं आया मेरे तो। सजावट उसकी क्विक एंड फास्ट हो रही है। ये देखिए बर्थडे बॉय की सजावट बहुत खतरनाक हो रही है। ये देखिए पूरी सजावट कर रखी है बिल्कुल खतरनाक ढंग से। ये क्यों नहीं चला? अच्छा, ये इसमें प्लग नहीं लगा है अभी। ये देखिए तो जब बर्थडे बॉय आ जाएगा फिर उसको आपको दिख। और ये देखिए फ्रिज में क्या है, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। अरे रे रे बाबा, क्या क्या है भैया ये मामला, पता नहीं क्या क्या है इसमें, ये देख लीजिए। और ये देखिए मम्मी हंसते हंसते आ रही है। देखो ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं आज ना वो त्योहार वाला तो आया नहीं, त्योहारी लगाओ, बर्थडे भी एक त्योहारी होता है। इसकी लाइट का ये मंदिर है। ये देखिए ये मम्मी की ढोलकियां हैं दो दो। अब बजाता कौन है ये पता नहीं है। मम्मी बजाती है मम्मी और बजाती वो है बजाता है। और शंख तो भांजा बजाता है। जरा ये देखता दिखाता हूँ आपको शंख बहुत नज़दीक से। ये देखिए शंख भांजा बजाता है और ढोलकी मम्मी बजाती है और छोटी बहन भी बजाती है। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, दो मंजिले में जा रहा हूँ। हाँ कपड़े हैं तो कोई बात नहीं, कपड़े होने चाहिए। ये देखिए ये है शीशा 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 शीशा। ये देखिए यहाँ क्या कर रखा है इन लोगों ने, यहाँ बेड पे क्या क्या बिछा रखा है। ये लॉकर है, लॉकर ये बाहर का देखते हैं। अरे यहाँ तो अंधेरा ही होगा पूरा, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, वहाँ शादी है बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आप बताइएगा कैसा लगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और आशा है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Happy birthday to you, birthday to dear Himanshu, happy birthday to you. चल गया है।
तो दोस्तों यहाँ पे बच्चे तैयार हो गए हैं, ये देखिए मुंगने बाल बना ले, ये घड़ी पहनना जा रहा है इनका, ये घड़ी पहनना जरूरी है वहाँ हाँ। चलो ठीक है ठीक है। तो कितने पैसे लगता है स्कूल? 8 और 10। ये तो 8-20 करा। तो फ्रेंड्स बच्चे तो चले गए हैं वहाँ स्कूल पे, और मैंने कल रात को दिखाया था आपको, रात को तो यहाँ दिख नहीं रहा था कुछ भी, मैं चाय पी रहा हूँ अभी, अब फिर नाश्ता करता हूँ, मैं भी टाइम से निकलूँगा। तो भी जा सकता हूँ इसलिए मैंने सोचा समय पे निकल लेता हूँ। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा, आज ये है बहुत मकान बन गए, पहले कमी थी आजकल तो बहुत बन गया, ये नए नए मकान बने यहाँ पे, अच्छा है मतलब यहाँ कहते हैं इलाका अच्छा है, ये नए नए मकान बने बहुत सॉलिड यहाँ पे। कल रात यहाँ पे कहते हैं पानी डाल ले थे ये 3 बजे रात से, और मेरे को तो नींद ही नहीं आई उसके बाद, मैंने कहा खट्ट पट्ट आवाज़ क्या करते हैं, यहाँ खेतों में डालने के लिए पानी है इनके पास और पीने के लिए पानी नहीं है, यहाँ ये बेच रहे हैं। ये इस इलाके में जो भी हैं जेई, उनसे मेरा अनुरोध है कि पहले पीने के लिए पूरा करें उसके बाद खेतों के लिए करें, क्योंकि लोगों को यहाँ फिर दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, दूसरे से मांगना पड़ रहा है। तो आपसे अनुरोध है अगर यह कहते हैं यहाँ के जेई साहब अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ कहते हैं पानी ज़रूर भेजें, पहले पीने के लिए भेजें, क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि तो फ्रेंड्स मैं भी तैयारी करता हूँ आप नाश्ते की, फिर नैनीताल को जाना है, तो चलते चलते अगर टाइम मिलेगा तो कहीं से अच्छा व्यू दिखेगा, कोई अच्छी चीज़ें दिखेगी तो मैं आपको बताऊँगा। और अभी के लिए धन्यवाद, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, फैमिली के साथ देखिए, और लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए प्लीज़, जो सब्सक्राइब कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें, जो मैं उसको स्पेशल थैंक्स दे सकूं अपनी तरफ से, इट्स ऑल राइट, थैंक यू, नमस्कार। अरे भाई ये क्या बवाल है, ये क्या बवाल है भाई, ये देखिए ये भाई ये है झूला पुल, अबे कहाँ आसमान चल रहा है, ये देखिए काला ढूंढ से 1/2 किलोमीटर ऊपर को है, इसको झूला पुल कहते हैं, ये देखिए भाई साहब ये इतना लंबा है ना, कम से कम 500 मीटर से ज़्यादा ही होगा, नीचे जाकर देखते हैं। ए लो भैया देखो उतने नीचे है, ये तो चलते जा रहा है नीचे को, पता नहीं कहाँ कहाँ है, अरे भैया ये किस चीज़ के लिए बना रखे, आदमी तो जाता नहीं होगा इसके ऊपर, आदमियों के लिए बना है, ये बड़ा ख़तरनाक बना है यार, ये समझ में नहीं आया। चलो गाइस फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि मैं भी खुरपाताल पहुंच गया हूं, और मैंने कल आपको बताया था कि जहां पर से अच्छा व्यू दिखेगा मैं आपको तालाब को दिखाऊंगा, यह है खुरपाताल का तालाब, जरा इस साइड से सही दिख रहा है, और कल तो उस साइड से साल के पेड़ लग रहे थे, और बाकी देखिए बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है, और यहाँ खेती बाड़ी भी बहुत होती है, पानी बहुत है यहाँ पे, बहुत पानी है यहाँ पे, खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी होती है, और यहाँ से सब्जियाँ नैनीताल बहुत आती हैं, और वो राम मनसा देवी का मंदिर जो मैंने आपको दिखाया था कल,
तो फिर मिलते हैं आपको किसी नई अपडेट के साथ, और